जजै कदे ना चूरै मूड़े सतगुर का उपदेश सुन्तु विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई निगुरे का है नाव बुरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान का यदि हम इतिहास पढ़ें तो हम देखते हैं हिंदुस्तान के लोगों में कभी भी एकता नहीं हुई। यदि हम आज की बात करें या फिर पहले की बात करें, एकता हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती। भाषाएं अलग हैं, जात पात धर्म का भेद हमेशा से ही हिंदुस्तान में देखने को मिला है। ये बात और है कि जब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का समय आ जाता है तब कहीं जाकर लोग समझते हैं, बूझते हैं, तब जाकर कहीं जागते हैं कि यदि अगर हम एक नहीं हुए तो फिर बच नहीं पाएंगे। आज भी हिंदुस्तान का कुछ यही माहौल है। कुछ गलत लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर मूर्खता दिखाते हुए कई वर्षों से हिंदुस्तान में लूट मचाई हुई थी, आज जाकर कुछ सुधार आया है। हिंदुस्तान के लोगों में शुरू से ही यदि हम इतिहास को देखें, पढ़ें, सुनें तो ये जानने को मिलता है कि निर्बलता के कारण बाहर के देशों के राजाओं ने आकर हमले किए और हिंदुस्तान के राजा आपस में ही लड़ मरे। बाहर के जो देश के राजा थे, हमारे कुछ राजाओं ने उनका साथ दिया, जिसके कारण हमेशा से ही हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में हमेशा ही बंधा रहा है। बाहर के लोग आते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, लूटपाट कर कर ले जाते हैं। कल भी वही हाल था, आज भी वही हाल हो रहा है। निर्बलता के कारण कई राजा तो आवाज़ ही नहीं उठा पाते थे। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आम देखने को मिलता है। मुगलों ने हजार साल तक राज किया। बहुत ही शर्म की बात थी वो कि कुछ राजा, कुछ हमारे बीच में से ही कई हिंदू जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था, जिसके कारण उन्होंने हमेशा से ही हिंदुस्तान में जीत प्राप्त की, राज किया। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा था, सभी राजा चुप थे, हार मान चुके थे। कहते हैं उस वक्त 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मीरी पीरी की दो कृपाने पहनी। जैसे कि आप सभी जानते हैं
पंच गुरु साहिबान तक, गुरु नानक देव जी से लेकर तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तक, उन्होंने उपदेश दिया था परंतु कभी कृपाण नहीं उठाई। परंतु अब वक्त आ गया था, क्योंकि हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में धीरे धीरे बनता चला जा रहा था। मुगलों ने चारों तरफ हमले कर कर अपना राज कायम किया हुआ था। गुरु साहिब जी कहते हैं, निर्भय होकर संतों में ये उपदेश दिया करते थे कि जो भी गुरुघर आए, शस्त्र लेकर आए, घोड़े लेकर आए। गुरु साहिब जी ने अब पूरा मन बना लिया था, जैसे कि अकाल पुरख की इच्छा थी गुरु साहिब जी ने पाने को मीठा मान के वैसा ही किया जैसे अकाल पुरख का हुक्म था, पिता परमेश्वर का हुक्म था। गुरु साहिब जी आप प्रभु का ही रूप है, पिता परमेश्वर आप हैं, कोई भेद नहीं है गुरु में और परमेश्वर में। शाहजहां का जोर जुल्म हिंदुस्तान में चारों ओर फैल रहा था। कहते हैं कि शाहजहां शिकार करने के लिए जब जंगलों में जा रहा था, बेजुबान जानवरों की हत्या कर रहा था। कहते हैं उस ओर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी भी जीवों को ताड़ने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, पिछले जन्मों के जो पाप हुए हैं जीवों से, वो आज बेजुबान जानवरों के रूप में आए हैं शस्त्री पर, उनका उद्धार करने के लिए गुरु साहिब जी ने शिकार किए, उनका उद्धार किया, उन्हें जन्म मरण के घेरे से मुक्त कर दिया, उन्हें तार दिया, उन पर कृपा की, उन पर निहाल हुए। धन है वो हिरण इत्यादि जीव जिनका गुरु साहिब ने शिकार किया था, उनका उद्धार किया था, उन्हें तार दिया था। इसी प्रकार कहते हैं ये सभी कुछ गुरु का ही खेल होता है। जानी जाननहार पिता परमेश्वर गुरु आप तीनों लोक के ज्ञाता हैं, सभी को जानते हैं। हुआ यूं कि ये भी शायद गुरु का ही खेल था कि बादशाह शाहजहां को एक सुरखाब नामक पंछी दिखाई पड़ा। तो हुआ यूं कि जब शाहजहां ने उस सुरखाब पंछी को देखा, तो इतिहासकार कहते हैं दरअसल एक राजा ने जो कि दूर देश का था, उसने एक नायाब कभी ना मिलने वाला एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही बहादुर और बहुत ही सुंदर एक बाज शाहजहां को भेंट में दिया था। कहते हैं ऐसा बाज बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो नायाब था, एक विचित्र ही उसकी काया थी, उसका शरीर था, और ऐसे बाज ना ही कभी सुनने को मिलते हैं ना ही देखने को।
वो पंछी वो बाज बहुत ही अलग था, बहुत ही महान था, प्रजाति बहुत ही अलग थी और बहुत ही अनोखी थी, जो कि उस राजा ने दूर देश से भेद स्वरूप बादशाह शाहजहां को दिया था। हुआ यूं कि जिस प्रकार अरबी भाषा में जो चीज बाजी मारती है, खेल करती है, उसे बाज कहते हैं, तो ये जो बाज था वो बहुत ही अनोखा था। बादशाह शाहजहां ने उसकी बाजियां देखने के लिए, उसके शिकार करने का ढंग देखने के लिए उसे अपने साथ जंगल में ले गया और कहते हैं जैसे ही सुरखा पंछी उन्हें दिखाई पड़ा तो कहते हैं पंछी को मारने के लिए शाहजहां ने अपना ये बाज उस पंछी की ओर रवाना किया, छोड़ दिया। परंतु बाज की एक कमी रहती है, कभी भी वो एक दूर नजर तो रखते हैं, अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं और उसे जाकर तुरंत तीर की तरह जाकर उसे दबोच लेते हैं, अपना शिकार बना लेते हैं। परंतु बाज की कमजोरी होती है कि जब उसका पेट भरा होता है तब वो अपने मालिक को भी धोखा दे देते हैं, शिकार नहीं करते, क्योंकि उनका पेट भरा हो तो वो जानवरों को मारते नहीं, शिकार नहीं करते, अपने में मस्त रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बाज के साथ हुआ था। वो तो कुछ प्रभु का ही खेल होता है, शायद पंछी भी जिसका नाम सुरखाब था शायद वो भी गुरु के खेल से ही वहाँ पहुँचा था, जिसके पीछे शाहजहां ने अपना बाज छोड़ दिया था, जो कि बहुत ही नायाब था, अनोखा था। जैसे ही बाज को छोड़ा, कहते हैं उस बाज का पेट भरा हुआ था, वो तृप्त था, भोजन खा चुका था, वो अपनी मस्ती में कहीं और उड़ के चला गया। ये देखकर शाहजहां बहुत ही हैरान हुआ, दुखी हुआ और क्रोधित भी हुआ कि उसे वो सुरखा पंछी तो ना मिला, उसका अपना बाज भी कहीं और चला गया। उसने अपने शाही शिकारियों को उस बाज के पीछे छोड़ दिया, कहा तुम उसे पकड़ कर लाओ। और कहते हैं शाहजहां वहां से लाहौर की ओर चला गया। हुआ यूं कि बाज अपनी मस्ती में उड़ता हुआ सुरखा पंछी के पीछे उसी ओर आ गया जहां पर सच्चे बादशाह, परम पिता परमेश्वर गुरु साहेब, छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद साहेब महाराज जी शिकार खेलकर अपने साथियों के साथ, सिखों के साथ बैठे थे। गुरु साहेब जी ने अपने हाथ में रखे बाज को जब वो देख रहे थे तो आकाश में उनकी नजर उस सुरखा पंछी और एक नायाब बाज पर पड़ी। जानी जानहार प्रभु सब कुछ जानते थे, कटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, ये सब तो प्रभु का ही खेल था। हुआ यूं कि गुरु साहब जी ने अपने बाज को जो उनके हाथ में था, उस बाज को सुरखा पंछी की ओर रवाना किया।
कहते हैं गुरु के बाज ने जाकर उस सुरखा पंछी को दबोच लिया और धरती पर आ गया। और पीछे पीछे कहते हैं वो अनोखा बाज जो कि शाहजहां का था वो भी उनके पीछे पीछे आ गया। पहले तो कहते हैं सुरखा पंछी ने गुरु साहब जी के दर्शन करके अपने आप को तकदा के योग समझा, और वो बाज जो कि शाहजहां का था वो गुरु साहब जी के चरणों में आ गया, उसने भी गुरु साहब जी के दर्शन किए और निहाल हो गया। दरअसल हम सोचते हैं कि आज हम इस सदी में पैदा हुए हैं, विचर रहे हैं, तो ये आम बात है, ये दरअसल आम बात तो हो सकती है, परंतु उस वक्त जब गुरु साहिब जी विचर रहे थे दुनिया में, खासकर छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, तो जो उस वक्त के सिख होंगे जिन्होंने गुरु साहिब जी के दर्शन किए, मैं तो उस बाज को भी धन्य कहूँगा जिन्होंने गुरु साहिब जी के दर्शन किए, गुरु साहिब जी के संग में रहे, वो कोई मामूली बाज नहीं होंगे, वो भी कोई बहुत बड़े परोपकारी भगत सन्यासी तपस्वी होंगे जिन्होंने ना जाने कितनी तपस्या की होगी तब जाकर उन्हें गुरु का प्रेम मिला होगा, गुरु का संग मिला होगा, जो वो बाज गुरु के हाथों में बैठते होंगे, वो हाथ जब किसी के सर पर गुरु साहब जी रख देते हैं तो उसे तीनों लोगों का ज्ञान हो जाता है, वो हाथ जब गुरु साहब जी किसी के सर पर रख दे तो उसका उद्धार हो जाता है, वो तर जाता है, उसकी 84 जूने कट जाती हैं, तो कितना धन भाग होगा उस बाज का जो कि शाहजहां से होता हुआ गुरु साहब जी तक पहुंचा था, गुरु के खेल के अनुसार, गुरु साहब जी की इच्छा के अनुसार वो गुरु साहब जी के दर्शन कर रहा था, धन भाग है उस बाज के। तो हुआ यूं, गुरु साहब जी ने उस बाज को अपने हाथों में ले लिया, शाहजहां के बाज को गुरु साहब जी ने बहुत प्रेम किया, अपने हाथों से बाज को सहलाया, बाज की ओर देखा और निहाल कर दिया। बाज गुरु साहिब जी की ओर देखकर मानो ऐसा कह रहा था कि हे सच्चे बादशाह, आप धन्य हैं, आप ही की कृपा से मैं आप तक पहुंच पाया हूं, आप ही की कृपा से मेरा अब उद्धार हो जाएगा, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार उस बाज ने जन्म लिया होगा और अपने कर्मों के अनुसार ही वो ना जाने कौन से देश दूर देश से आया था और राजाओं के हाथों से होता हुआ शाहजहां तक पहुंचा, और धन भाग है उस बाज के जो कि गुरु घर में गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों में पहुंचा, उस बाज ने गुरु साहिब जी के दर्शन किए और अपना जीवन सफल कर दिया। हुआ यूं कि शाही शिकारी जो कि बाज को ढूंढ रहे थे वो ढूंढते ढूंढते उस इलाके में आ पहुंचे, उस जगह पर आ पहुंचे जहां पर गुरु के सिख गुरु के योद्धा गुरु साहिब जी के साथ थे। उन शिकारियों ने आकर गुरु साहिब जी के सिखों से पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहां कैसे, और यहां
आप लोग किसके साथ हैं? बहुत ही तगड़ी आवाज में, घमंड में, अहंकार में बादशाह के शिकारियों ने गुरु साहिब जी के सिखों से ये पूछा। प्रेम सहित योद्धाओं ने कहा, सच्चे पातशाह, तीनों लोक के ज्ञाता, सृष्टि के तारणहार, परवरदिगार, पिता परमेश्वर, दुनिया के मालिक, इस धरती पर इस वक्त यहाँ पर विराजमान है। ये सुनकर शाहजहां बादशाह के शाही शिकारी बहुत ही क्रोधित हुए। वे समझ गए, उन्होंने सुना था तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बारे में कि वो बहुत बड़े हैं और सिख और कई लोग उन्हें बहुत मानते हैं, सृष्टि का मालिक समझते हैं, मानते हैं, पर ये लोग क्या समझेंगे, क्या बूझेंगे कि प्रभु क्या है, ये दुष्ट क्या समझेंगे, क्या समझेंगे और क्या मानेंगे। ये तो क्रोध में, अहंकार में जीते थे और सृष्टि पर, हिंदुस्तान में खासकर, उन्होंने नरक बनाया हुआ था। कहते हैं उस वक्त मुगलों की तानाशाही चलती थी और हिंदुस्तान की बहु बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी, लूट रही थी। हुआ यूं, बादशाह के शाही शिकारियों ने उन योद्धाओं को कहा कि हमारा बास तुम्हारे गुरु के हाथों में दिखाई पड़ रहा है, और वो बात करने के लिए गुरु साहिब जी के चरणों में पहुंचे, परंतु ना ही उन मूर्खों ने गुरु साहिब जी का सत्कार किया, ना ही प्रणाम किया, ना ही वे झुके। वे तो अहंकार में समाये हुए थे, अपने आप को बादशाह का शाही शिकारी समझते हुए गर्दन सीधी करके क्रोध में वे बोलने लगे कि यह हमारा बाज है, ये हमें दे दो, नहीं तो यहाँ किसी की खैर नहीं। गुरु साहिब जी ने प्रेम से कहा, ये तो अपने आप ही उड़ता हुआ इस इलाके में आ गया था, तो हमने इसे पकड़वा दिया, अब वो हमारा है, हमारे पास है। यदि कोई उस बात से पूछता, अगर वो बता पाता, वो बेजुबान पक्षी अगर बोल पाता तो बोल देता कि वो धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की, उनके चरणों में रहना चाहता है, वो अपने धन भाग समझता है कि वो गुरु के चरणों में है, उनके हाथों में है, उनका प्रेम प्राप्त कर रहा है। गुरु साहिब जी एक तरफ उस बास को सहला रहे थे, प्रेम दे रहे थे, दूसरी ओर कह रहे थे उन शाही शिकारियों से कि अब ये हमारा है, तुम जाकर अपने बादशाह से कह दो जो तुम ठीक समझो, पर ये बास अब हम कभी नहीं देंगे। दरअसल गुरु साहिब जी तो आप निरंकार हैं, आप पिता परमेश्वर हैं, निर्भय हैं, निर्भाव हैं, निर्वैर हैं,
उन्हें किसी का भय नहीं है, किसी से वैर नहीं है, परंतु उन दुष्ट अहंकारी पापियों को सबक सिखाना अत्यंत ही ज़रूरी था, क्योंकि वे हिंदुस्तान में जबरन ही घुस आए थे और अपना राज कायम किया था। उन्होंने कई कत्लेआम किए थे, दुष्टों ने गरीब जनताओं को लूटा था, बहु बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया था। हुआ यूं कि अहंकारी दुष्ट बादशाह के शाही शिकारी बहुत ही क्रोध में बोलने लगे, क्या तुम्हें नहीं पता कि शाहजहां कौन है? तुम्हारी हजारों की सेना बादशाह से क्या लड़ेगी? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम बादशाह के बास को अपना कहते हो, तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? निर्भय पिता परमेश्वर चाहते तो एक क्षण में पूरी सृष्टि को उल्टा कर सकते थे, तो ये बादशाह शाहजहां क्या चीज थी? परंतु जो पिता परमेश्वर का भाना था उसी अनुसार उन्हें चलना था। उन्होंने उन शाही शिकारियों को कह दिया, तुम अपना काम करो, जाकर बादशाह से कहो कि गुरु साहब जी ने उनका बाज ले लिया है और बाज भी यही चाहता है कि वो हमारे साथ ही रहे, तो चले जाओ यहाँ से। भाई बिधिचंद और कुछ योद्धा शाही शिकारी के सामने आए और कहा, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जिंदा रहना चाहते हो तो पहले तो सत्कार से बात करो, वरना यहाँ से चले जाओ। अब हम तुम्हारी और बकवास नहीं सुनेंगे। वो शिकारी जो कि शाही थे, वे अंडर से डर गए कि ना जाने ये गुरु और गुरु के सिख, गुरु के योद्धा, हम कुछ शिकारियों के साथ क्या करेंगे, क्योंकि हम उनके बीच हैं। वे डर के मारे चुपचाप वहां से निकल गए, चले गए। कहते हैं उन्होंने आजू बाजू कुछ ना देखा, बस सीधे ही तुरंत घोड़े पर बैठे और तुरंत ही ना कहीं रुकते हुए दौड़कर सीधे लाहौर पहुंचे और अपने बादशाह के सामने जाकर सर झुकाया, शर्मिंदगी से चिंताजनक ये बात कही कि गुरु साहब जी ने आपका बास रख लिया है। वो घबराए हुए थे कि ना जाने बादशाह उन्हें क्या सजा देगा, क्या कहेगा, हमारा क्या होगा। जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, वे हमेशा एक डर कर रहते हैं, भय में रहते हैं, और गुरु के सिख जो सच्चे होते हैं, पिता परमेश्वर के साथ होते हैं, जो पाप नहीं करते, पापों से तौबा करते हैं, गुरु की बंदगी करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें फिर किस बात का डर? वो तो निर्भय होते हैं और डरते तो ऐसे दुष्ट पापी हैं जो कि पाप कर्म करते हैं और दुनिया में नरक फैलाते हैं। तो डर के मारे शाही सिपाहियों ने बादशाह के आगे विनती की, कहा कि बास तो गुरु साहब जी ने रख लिया है
और वो देना नहीं चाहते। इसी प्रकार आगे जाकर इतिहासकार कहते हैं कि बादशाह शाहजहां से गुरु साहिब जी की बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें शाहजहां ने बहुत ही बुरी तरह से हार कबूल की थी। गुरु के सिखों ने, बहादुरों ने, योद्धाओं ने, जो कि गुरु के प्यारे थे, बंदगी में जुड़ने वाले थे, संत सिपाही थे, एक तरफ वो पिता परमेश्वर के प्रेम में थे, सत्कार करते थे, बंदगी करते थे, भक्ति में जुड़ते थे, उस प्रकार वो संत थे, और सिपाही इसीलिए कि वो बहुत बड़े योद्धा थे। गुरु साहिब जी ने हमें संत सिपाही बनने का उपदेश दिया है कि हर सिख संत भी हो, यानी कि अमृत वेला भी संभाले, बंदगी में जुड़े, भक्ति करे, और साथ में एक महान योद्धा भी हो। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जब समय था तो 225,000 दुष्ट पापियों से गुरु साहिब जी का एक एक सिख लड़ा था। धन है गुरु और धन है सिख। इसी प्रकार उस वक्त गुरु हरगोविंद साहिब महाराज जी ने पानी को मीठा मानते हुए शाहजहां से उनका युद्ध हुआ था, और शाहजहां ने मुंह की मार खाई थी, यानी कि उसका एक एक योद्धा, एक एक महाबली गुरु के सिखों ने उसे धूल चटा दी थी। बुरी तरह से शाहजहां को हार का सामना करना पड़ा था। गुरु से भी चाहते तो एक छिन्न में मुगलों का अंत कर सकते थे, परंतु नहीं। जैसे पिता परमेश्वर का भाना होता है वैसा ही गुरु कर रहे थे, और उसी प्रकार हमें भी करना है। हमें भी गुरु साहिब जी ने पाने को मीठा करके मानने की जांच सिखाई है, हमें उपदेश दिया है कि जिस प्रकार तन तन साहिब गुरु अर्जन देव जी ने शहीदी दी, उन्हें मुगलों के हाथों शहीद होना पड़ा था। कहते हैं उस वक्त मुगलों ने तत्ती तवी पर उन्हें बिठाया था, सर पर गरम गरम रेता डाला जाता था, परंतु वो चाहते तो एक पल में मुगलों का नाश कर सकते थे, परंतु नहीं। पाने को उन्होंने मीठा माना भी, और हमें भी जांच सिखाई है कि हमें पाने को मीठा करके मानना है। आज हम देखते हैं कि हमें कुछ दुख आ जाते हैं, अगर हमें कुछ कष्ट आ जाते हैं तो हम ऐसे मूर्ख संतानों की ओर दौड़ते हैं और उनसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना। हमें तो ऐसे मूर्खों से दूर रहना है। आज भी हम देखते हैं कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि मुगलों ने उस वक्त में हिंदुस्तान में किया। जितने भी हिंदू थे उन्हें मुस्लिम धर्म में ले आए। बहुत बुरा हुआ था उस वक्त। जो भी मुस्लिम बन जाता था वो जी पाता था, और जो मुस्लिम बनने से इनकार कर देता था उसकी जान चली जाती थी, यहाँ तक कि उसकी घर की बहू बेटियों की इज्जत लुट जाती थी। तो ऐसा बुरा माहौल था हिंदुस्तान का। परंतु धन है गुरु हरगोविंद साहिब महाराज, जिन्होंने मीरी पीरी की कृपाने पहनी और सिखों को उपदेश दिया कि वो
संत भी बने, बंदगी भी करें और सिपाही भी बने, क्योंकि जब देश पर विपदा आ जाए तब वो डरे नहीं बल्कि निर्भय होकर लड़े, क्योंकि हिंदू उस वक्त इतने कायर हो चुके थे, इतने निर्बल हो चुके थे, वे कुछ नहीं कर पाते थे। गर्दन पर जब तलवार पड़ी होती थी तब वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर देते थे। उनकी मजबूरी का फायदा उस वक्त मुगलों ने उठाया। आज भी कई जगहों पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। भगवान सबको सद्भुक्ति बख्शे कि वो पहले तो खुद अपने मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन ना करें, और अब समय बदल गया है कि जोर जबरन कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। परंतु वो वक्त तो अलग था कि जब मुगल अपनी तानाशाही से जोर जबरदस्ती से बेचारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते थे और उन्हें लाचार समझकर दबाकर रखते थे। तो हमें साखी से सीख मिलती है कि हम किसी के आगे झुके नहीं, भले ही वो बादशाह हो या कोई भी हो। हमें तो हमेशा निर्भय रहना है, निडर रहना है, गुरु के साथ जुड़ना है ताकि वो हमें अपनी शक्तियाँ प्रदान कर सकें, क्योंकि उन्हीं की शक्तियों से हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्हीं की कृपा से हम आगे हमेशा ही अपने हर तरह के चीज़ों में कामयाब हो सकते हैं, निर्भय होकर चल सकते हैं और हमेशा निडर होकर रह सकते हैं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सत्संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और सत्संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 जुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी सत्संगत असीस बख्शना, मेरा जन्म मरण कट जाए, मुझे बार बार आना जाना ना पड़े, मेरा आवागमन कट जाए, सत्संगत ऐसी असीस बख्शना, क्योंकि सत्संगत में ही प्रभु आप बसते हैं। विच संगत हर प्रभ बसे जियो, संगत में ही पिता परमेश्वर सच्चे पातशाह आप बसते हैं, आप कृपा करते हैं, आप रहमत करते हैं। फतेह का जवाब फतेह में दें, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।